हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक की सब्ज़ी। तो चलिए देख लेते हैं ये रेसिपी कैसी बनेगी और क्या क्या चाहिए इसे बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे धोकर के बहुत ही बारीक हमने पालक को कट कर लिया है और यहाँ पे दो बड़े साइज़ के टमाटर कट किया है, दो प्याज और यहाँ पे अदरक और लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है। तो सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उसमें ऑयल हम डालेंगे 4 टेबल स्पून और इसे गर्म होने देंगे। उसके बाद से 1 पिंच हींग डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून जीरा और इसे अच्छा से भूनने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज हम ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने बारीक कटा हुआ लिया है और इसे अच्छा से गोल्डन हमने फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा और इसे फ्राई करूंगी मैं, उसके बाद इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च हमने लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा करें। 1 मिनट हमने इसे भून लिया है, उसके बाद से इसमें ऐड करूंगी मैं काली मिर्च और जीरा पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और इसे 1/2 मिनट तक हम भून लेंगे। यहाँ पे आप धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन हम अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे। इसे अच्छा से भूनने के बाद इसमें अच्छा से धुला हुआ बारीक कटा हुआ हम पालक को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला भून चुका है, तो अब कटा हुआ पालक हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हमें चला लेना है, मसालों में मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो आपने देखा यहाँ पे हमने पालक ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे ढक देंगे। ढक के हमें बीच बीच में चलाते हुए पालक को कुक करना है। तो आप देख सकते हैं हमने ढक दिया और इसे और कुछ देर बाद हम इसे देख रहे हैं तो ये बिल्कुल पानी छोड़ दिया है पालक और ये अपने ही पानी के अंदर ये अच्छा से पक जाएगा। तो फिर हम ढक के इसे कुक करेंगे, बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं फिर हमने कवर कर दिया है, अब चलिए फिर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा से पालक पक चुका है। आप इस तरीके से थोड़ा सा हम प्रेस करते हुए इसे महीन कर लेंगे तो ये बहुत बढ़िया से कुक हो चुका है। फिर इसमें थोड़ा सा और कवर करके हम पका लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें चलाते हुए इसे पकाना है और बीच बीच में चेक करते रहना है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें पालक को पकाना है। अब यहाँ पे ये जो लास्ट में हम टमाटर ऐड करेंगे और गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून और इसे हम फिर चला लेंगे और फिर थोड़े देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इसे बिल्कुल नहीं गलाना है, टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट करना है। तो आप देख सकते हैं हमने मिक्स कर लिया है, फिर इसे ढक देंगी मैं। तो फिर चलिए चेक करते हैं 2 मिनट बाद। आप देख सकते हैं बिल्कुल टमाटर इसमें गल चुका है और ये पानी भी अच्छा से सूख चुका है इसमें। इस तरीके से हमें इसे कुक करना है। तो 1 मिनट के लिए और हमने इसे ढक दिया था, चलिए वापस चेक करती हूँ। तो यहाँ लास्ट में हम नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दे रहे हैं। नमक को हम लास्ट में ऐड करेंगे ताकि पता चले कि कितना ही गल के बच रहा है। पहले ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा नमक। तो अब चलिए सर्व कर लेती हूँ। बिल्कुल बन के ये पालक की सब्ज़ी तैयार है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं इसे हमने निकाल लिया है, तो चलिए इसके तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच हमने देसी घी लिया है, इसे अच्छा से गर्म हमने कर लिया है। उसके बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून हम कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं और इसे अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे और इसका तड़का लगा देंगे सब्ज़ी के अंदर। आप यहाँ चम्मच के जगह पर आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका तड़का हमने लगा दिया है और इससे कलर और टेस्ट और दोगुना हो जाता है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है, यकीन मानिए। एक बार आप बना करके ज़रूर देखिएगा और ये पराठों के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।